हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ईजी है। ये रवा इडली है। अगर आप ऐसे नॉर्मल इडली बनाते हैं तो उसके जगह पे आपको अगर सांभर ना हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है जिसे आप ब्रेकफास्ट में इसे झटपट बना सकते हैं। इसे आप बिना चटनी ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना एक बाउल, और बाउल में हमें लेना एक कप सूजी यानी रवा। हमें ऐड करना एक कप बेसन यानी सूजी की हाफ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बेसन। अब हम लेंगे एक कप दही, और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ऐड करना है प्याज। अगर आप और भी सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अपने मन पसंदीदा सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया शिमला मिर्च, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया टमाटर और एक हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गाजर या और भी कोई आपको जो सब्ज़ी पसंद है वो आप सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और इसका हमें बेटर बना के रेडी कर लेना है। इसका बेटर ना हमें गाढ़ा रखना है और ना ही पतला रखना है, मीडियम रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा कलर के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कलर के लिए ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेटर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ के रख देंगे, और फिर 10 मिनट बाद हम इसमें इनो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर या सोडा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे इनो के बाद। तो इसमें मैंने कच्ची सब्ज़ी डाली है, अगर उसके जगह पे आप इसे फ्राई करके भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। जैसी आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से हमारा बेटर बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे एक इडली का स्टैंड। इडली स्टैंड में हम अच्छे से बेटर को डाल के अच्छे से इसे स्टीम कर देंगे। तो ये रेसिपी अगर आपको ब्रेकफास्ट में बनानी है तो आप इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। अगर आप बच्चों को टिफ़िन में भी देना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे को भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे आप टमाटो केचप या सॉस दे सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमने पानी रख दिया था गर्म करने के लिए, तो यहाँ पर हम इडली का स्टैंड रख देंगे, और यहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से हमारी इडली बनके रेडी हो चुकी है, और एकदम अच्छे से देखिए स्टैंड में से छोड़ भी दिया है। हमने पहले इसमें ऑयल लगा दिया था, आपको ये वीडियो में बताना भूल गए। ये देखिए एकदम फुली फुली हमारी इडली बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।